हेलो एवरीवन वेलकम टू माय चैनल सो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करें थ्री से ठीक तो इस वीडियो में हम दे, देखेंगे कि कैसे हम डिविजिबिलिटी चेक करें फोर से कैसे पता करें कोई पर्टिकुलर नंबर या बड़ा से बड़ा नंबर फोर से डिवाइड हो सकता है या नहीं हो सकता है ठीक है आप पलक झकते झपकते आराम से बता सकते हो ठीक जैसे हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं ठीक जैसे सिक्स वन एट अब हमें देखना है कि फोर से डिविजिबल है या नहीं है तो हम क्या करेंगे सिर्फ लास्ट के पीछे से दो नंबर को देखेंगे और देखें क्या ये फोर से डिवाइड हो जाता है भैया ये फोर से डिवाइड हो जाएगा नहीं क्योंकि के टेबल में आता ही नहीं है तो इसका मतलब ये सिक्स वन एट फोर से डिविजिबल नहीं है बस हमें लास्ट वाले दो नंबर को देखना है और चेक करना है क्या ये दो नंबर फोर से डिवाइड हो जाते हैं अगर वो नंबर फोर से डिवाइड हो गए तो पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा ठीक है तो इस तरह से आप डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं फोर से से ठीक एक नंबर में में बिल्कुल आराम से आपको समझ में आ गया चलिए आप कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे लेते हैं ठीक इसको आपको चेक करना है कि भैया ये है टू से नहीं है तो क्या करिए पीछे से दो नंबर को देखिए और देखिए क्या ये फोर से टेबल फोर के टेबल से डिवाइड हो जाएगा और हाँ आपको दोस्तों कम से कम टेबल तो आने चाहिए इसमें बिना टेबल से बिना टेबल के आप ये सम्स नहीं कर सकते ये सम्स समझा बहुत सारे सम क्योंकि आप सिक्स में आ गए हैं मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपको टेबल आते होंगे ठीक है एटलीस्ट ज्यादा नहीं कम से कम आप टेन तक कर लीजिए और भी जरूरत पड़ेगी तो फिफ्टीन तक कर सकते हैं मगर एटलीस्ट टेन तक तो आप कर ही लीजिए तो हम सिर्फ लास्ट वाले दो डिजिट पर कंसिडरेट करेंगे जो है कि 14, अब हम देखेंगे क्या फोर्टीन आता है फोर के टेबल में नहीं दोस्तों तो क्या है ये फोर से डिविजिबल नहीं है ये फोर से डिवाइड नहीं होगा ये फोर से डिवाइड नहीं होगा समझ में आया ये फोर से डिवाइड नहीं होगा मतलब जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो कोई ना कोई रिमाइंडर बच जाएगा समझ में आ रहा है चलिए आते हैं फिर दूसरा जैसे हमें देखना है तीसरा एग्जाम्पल है हमारा सिक्स थ्री सेवन वन टू इसको देखना है कि भैया थ्री फिर फोर से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा है तो सिर्फ लास्ट वाले नंबर को लेंगे जो कि है ट्वेल्व तो क्या ट्वेल्व आता है फोर के टेबल में आता है तो इसका मतलब ये फोर से डिविजिबल है ये फोर से डिविजिबल है ठीक तो इसी तरह से एक और एग्जांपल लेंगे एक एग्जांपल अब हमारा है फोर्थ वाला जो है थ्री फाइव जीरो फाइव सिक्स ठीक है इसको हमें चेक करना है डिविजिबल है तो सिर्फ लास्ट के नंबर को देखें क्या ये फोर के टेबल में आता है हाँ फोर से डिवाइड करके इसको देख लेते हैं ठीक है तो फोर वन जो ठीक है बचा वन सिक्स और सिक्सटीन दोस्तों आता है आपके फोर टाइम्स से मतलब ये फोर से डिवाइड हो जाता है फिफ्टी सिक्स फोर से डिवाइड हो गया तो ये, ये पूरा नंबर भी क्या हो जाएगा फोर से डिवाइड हो जाएगा ठीक है अगर बड़ा नंबर है तो आप इस तरह से डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं उसको डिवाइड करके देख सकते हैं कि अगर लास्ट के दो नंबर टू से फोर से डिवाइड हो जा रहे हैं तो पूरा नंबर भी फोर से डिवाइड हो जाएगा चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं जैसे एट वन जीरो फाइव टू फोर ये आपको चेक करना है कि भैया ये फोर से डिविजिबल है या नहीं है तो सिर्फ लास्ट के दो नंबर को देखिए और देखिए क्या ये फोर से डिवाइड हो जाता है फोर के टेबल में आएगा नहीं आएगा फोर के टेबल में दोस्तों ट्वेंटी फोर आता है सिक्स टाइम्स में तो ये क्या है ये पूरा नंबर फोर से डिवाइड है ठीक है तो इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कैसे डिविजिबिलिटी चेक करें फोर से ठीक तो काफी ईजी था ना तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम डिविजिबिलिटी चेक करेंगे फाइव से कैसे पता करेंगे कोई भी नंबर पलक झपकते पलक झपकते आप बता दें कि भैया फोर्स फाइव से डिवाइड होगा या नहीं होगा तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए टिल देन गुड बाय